शक। विशु और माया को पकड़ा प्रेत राज के प्रेतों ने। ना मुंह खोलो बच्चों। प्रेत राज ने बनाया विशु और माया को प्रेत धतूरे के फल से और उन्हें आदेश दिया कि वो अवि को भी अपने जैसा प्रेत बना दें। मेरे गुलामों जागो। गुरुकल ने नर्क की आग में जाकर बढ़ाई मुसीबत आदित्य और रुक्मणी के लिए। राजगुरु बस। वो भी राजगुरु की मदद से। अब आगे माया विशु घबराना मत, मैं बचाऊंगा तुम दोनों को। याद रखना, अगर आप आदित्य नहीं हुए तो मोती उसी क्षण आपकी जान ले लेगा। मोती अब भी सफेद है और आप जिंदा हो, मतलब आप ही हमारे हुकुम हो, आदित्य हो। हाँ, अब देर मत करो ज्ञान, जल्दी से जादू दिलों का द्वार खोल दो। बेवकूफ अलमारी, हुकुम को भी नहीं पहचाना, अब खुल जा। प्रेतराज को कोई नहीं मार सकता, उन्हें सिर्फ खंडहर के जादू आईने में कैद किया जा सकता है। ये सारे आईने अब पता कैसे चलेगा कि असली जादू आईना कौन सा है? बस 10 मिनट, मुझे जल्दी प्रेतों का पहरा ढूंढकर विशु और माया को बचाना होगा। मिल गया प्रेतों का प्याला और पानी भी। बेवकूफ लड़के, प्रेतों का प्याला तुझे कभी नहीं मिल सकता। अमर अवि, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? और कुछ नहीं हुआ अवि, तो हम अब कर देते हैं।
अब तक मेरी सारी चालें कामयाब हुई। मेरे काल अभी का अंत होना ही है। किशोर माया को बचाने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। ये आईना तो ज्यादा ही वार से भी नहीं टूटा। इसका मतलब यही असली जादुई आईना है जो करेगा प्रेतराज को कैद। अभी गया। मैं जानता था आदित्य तुमने यही तरीका अपनाया होगा असली और नकली परखने के लिए, इसलिए मैं हमेशा रुद्र के वंश के हर किसी की हाथी रेखाएं अपने साथ रखता हूं। तब किताब देख रहे हो, इसमें हमारे खानदान की हाथ की रेखा है। अब मैं जादुई लोग पहुंच गया हूं, अभी को मेरा पली बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आ रहा हूं अभी। शाबाश मेरे छोटे गुलाम, तुम्हारी शक्ति तो वाकई काम की है। अभी हा अभी अब तू भी मेरा प्रेत बन जाएगा, मेरा गुलाम बन जाएगा। ये मत सोचना कि तू जीत गया। मेरे प्रेतो, मैं अपनी सारी शक्ति तुम्हें देता हूं पर आखिरी हुक्म देता हूं, अभी को मार दो। क्योंकि जब प्रेतों का खात्मा होगा तो इंसानियत की फौज बढ़ती है। दोस्तों हमारे पास टाइम बहुत कम बचे, मेरी बात मानो, मुझे पिंटो का पैरा लेकर तुम्हारी जान बचाने दो। हमें हमारा हुक्म मिल चुका है अभी।
हाँ, और वो है मार दो अभी को। अभी कहाँ है हमारा दुश्मन? अभी अभी कहाँ गया हमारा दुश्मन? अभी अभी बाहर निकल, तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। मेरे को चोट भी नहीं पहुंचा सकता। अब बस मेरे पास एक ही तरीका है। पहले देख लेने दे कि वो मरा है कि नहीं। मर गया अभी। प्रेतराज का आखिरी हुक्म पूरा हुआ। सिर्फ 10 सेकंड बाकी है। विशु, विशु, उठ जा, उठ जा विशु। माया, माया, माया उठ जा ना, प्लीज उठ जा। माया उठ जा। दोस्तों विशु, विशु उठ जा। माया उठ जा, माया उठ जा। भगवान प्लीज प्लीज मेरे दोस्तों को बचा लो प्लीज। बड़ी लंबी कहानी है दोस्तों, बाद में तुम्हें आराम से बताऊंगा, पर अभी अपनी जान बचानी है, तू निकलो यहाँ से, भागो। बाल बाल बच गए। ओए, पर मुझे तो अभी भी ये समझ नहीं आ रहे, ये सब चल क्या रहा है भाई? सब समझ में आ जाएगा दोस्त, पर अभी जरूरी बात यह है कि मेरे दोनों दोस्त ठीक है। और जरूरी यह है बताना कि हमें मिल गया प्रेतों का प्याला। वाह, ओए, ये तो एकदम जबरदस्त है। अभी अभी
पास। अभी कितना खुश लग रहा है। हाँ ओए, मतलब सुनहरी चाबी हमारे हाथ में समझो। हाँ बॉस। पापा मुझे गले क्यों नहीं लगा रहे? देखा, इससे कहते हैं काबिलियत। फंस गया अभी प्रताप की चाल में। मान लिया उसने प्रताप को अपना बाप। मान तो लिया गुरु का, पर ये जो बच्चे हैं, ये बहुत शातिर हैं, बहुत ही होशियार हैं। अब देखना ये है कि ये जो प्रताप है, ये आदित्य बनने का ढोंग चाल पूरी होने तक कर पाएगा या फिर उससे पहले ये अभी उसका पर्दाफाश कर देगा। ओ मेरी आऊ, अगर तुम्हें शक है तो लगा ले मुझसे शर्त। हाँ? शर्त? कैसी शर्त? यही कि अगर अभी जीत गया तो तू जो कहेगी वो मैं करूंगा, और अगर प्रताप जीत गया तो तुम्हें मेरे इशारों पर नाचना होगा। लग गए शर्त छुटन की। जीतूंगी तो मैं ही और हारोगे तुम। और देखना, शर्त जीतने के बाद सबसे पहले मैं तुम्हें आग के कुएं में कूदने के लिए कहूंगी। मंजूर है। खामोश। और यहां देखो, मम्मी, पापा, मम्मी कहाँ हैं? मम्मी, मम्मी, पापा, बताइए ना, मम्मी कहाँ छुपी हैं? मम्मी आपके साथ क्यों नहीं आई? वो ठीक तो है? बताइए ना पापा। नर्क की आग से हम दोनों ने निकलने की कोशिश की बेटा। जैसे मैं द्वार के बाहर आया, रुक्मिणी के आगे एक आग का बाढ़ा गिर गया। मैंने उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, निकाल नहीं पाए हम। जैसे मुझे पता चला कि तुम हमें बचाने के लिए यहाँ आए हो जादू ही लोग, मैं तुरंत यहाँ आ गया ताकि हम दोनों मिलकर सुनहरी चाबी ढूंढ सके। क्या पापा, इसका मतलब मम्मी अभी भी नरक की आग में कैद है? अभी तो बहुत लंबा सफर है पापा, पर आप हमारे साथ हैं तो हम चाबी को जल्दी ढूंढ निकालेंगे। पर उसके लिए सुनहरी चाबी ढूंढना बहुत जरूरी है। हमारे पास वक्त नहीं है। नरक की आग तुम्हारी मम्मी को जला सकती है। वैसे भी भागने की कोशिश में एक बार वो पकड़ी जा चुकी है। हमें कुछ भी करके उसको बचाना होगा, कुछ भी करके। अंकल, हम जानते हैं, हमने भी खूब कोशिश की है। सुनहरी चाबी पाने के लिए अब सिर्फ चार तत्व की जरूरत है। क्यों बॉस? हाँ अंकल, हम इतने टाइम तक हाथ पे हाथ धरे थोड़ी ना बैठे थे। पर अब हम एक पल भी बर्बाद नहीं कर सकते। चार तत्व ढूंढते-ढूंढते कहीं ज्यादा देर ना हो जाए तो हम क्या करें पापा? अब हमें शैतानी लोग जाना होगा ताकि काले पत्थर से सुनहरी चाबी हासिल कर पाए। बेटा जल्दी चले। Ah! Ah!
सूट, अभी कुछ सूट। अभी अभी कुछ सोच ना, कुछ कर। Stop!